मम्मी आ गया। पोपट होने वाला है? नहीं, वो का पोपट देख हो गया। नहीं, एक ओटीपी नंबर से नहीं गया। मम्मी मम्मी तो एक माँ है कि अपने बच्चे पे हंस रही है। तो मैं बोली ना तुझे, इतना एक्सपेक्टेशन देके नहीं। मैं कब से रुके टेबल आने के लिए और टकला टेबल आ ही नहीं रहा। टेबल आने वाला टकला हो सकता है ना, जिसने हमारा टेबल बुक किया वो टकला नहीं था। सब लोग एक ना एक दिन 90% वो टकला बनती है। मम्मी ज्यादा बोल मत, बच मत। मम्मी तू कहना क्या चाहती है कि मेरे पापा टकले थे? होने ही वाले थे वो टक 15 साल होने नहीं वाले थे, वो टकले ही थे। नहीं तभी इतने टकले। मम्मी सेमी टकले थे, बीच में बाल की दर्द उनको। बस तभी सेमी टकले, फुल टकले, छोटा टकले, बड़े टकले, क्या है मम्मी? नेचुरल टॉक्स है यार, इंसान टकले है तो मतलब तू कुछ भी बोलेगी। मम्मी उनका फोटो मैं डालती हूँ इधर, बाल बराबर डाल ना। डालूंगी, इधर था बाल था उनको। मम्मी अभी वो कोल्हापुर में, इसका मतलब ये नहीं कि तू उनकी ऐसे इंसल्ट करे, समझी? कुछ भी फेक मत यार। मम्मी फेंकते तो बॉल है। मम्मी एक्साइटेड बिल्कुल नहीं दिख रही है टेबल आने के लिए। तो मैं वो 6 से 7 का बजे का टाइम बोला, मैं तू अकेली करके मैं बैठी हूँ घर पे। मम्मी प्रवचन देने की जरूरत नहीं, ऊपर से भी 8 बजने का अभी तक मेरा कोई नहीं। यार एक्साइटमेंट किल हो रहा है हम लोग का, ऐसा हम लोग कब से रुके हैं? वॉक करके अभी वापस, कोई भी कोई और बेल मार के जा रहा है। व्हाट द फक यार, माइंडर लैंग्वेज। तुम लोग का थिंकिंग मेरे बारे में अलग है, तो क्या करो मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। हम लोग ने वो टेबल थर्सडे को बनवाने दिया था, उसको हमने पूछा कि टेबल कब तक आएगा, तो उसने मुझे बोला थर्सडे को आएगा नेक्स्ट। मैंने बोला क्या? और मेरी मम्मी, हाँ चलेगा। एक्सक्यूज मी, पार्टी के साथ किसको चलेगा? मुझे नहीं चलेगा। ऐसा मैंने मन टू मन हम लोग ने बात किया, मेरी मम्मी को मेरे मन की भावना शक्ल पे दिख के आ गई। तो मम्मी ने बोला बड़ा जल्दी ट्राई कर सकते हैं क्या? तो उसने बोला हाँ ट्यूजडे को भेज दे। ट्यूजडे को नहीं भेजना है, ट्यूजडे और सैटरडे को मत भेजिए। वो लड़के के कान के पर्दे फट चुके हैं गाइस, तो अब वो बहरा हो चुका है। फाइनली उसने भेजा ट्यूसडे को। एक मिनट मम्मी, वो बहरा हो चुका है, उसके कान का ट्रीटमेंट का पैसा शाल्स ही भरने वाली है। मेरे फैमिली में ट्यूसडे को और पर मेरे फैमिली में ट्यूसडे गणपति का दिन है। तू मेरे फैमिली को बिलोंग कर, मतलब मेरे पापा, मम्मी तू कहना चाहती मैं मेरे पापा की फैमिली को बिलोंग नहीं उपवास ठेवतात माझे बाबा। कधी ग कधी ठेवले तुझे पप्पानी? अरे ते ठेवतात, तुला नाही माहिती। पण बोलते काय कोल्हापूरमध्ये ते एव्हरी थर्सडे। अरे काय पण खोटा बोलू नको, अशी सगळं फालतू खोटं नाही। अच्छा सॉरी, यूएसए मध्ये। अरे मम्मी मुझे नहीं बताना तुमका रिअल लोकेशन। क्यों बताना है यार मम्मी सब? रियल लोकेशन बताना। क्यों? बता, बोल दिया ना यूएसए, बता रियल लोकेशन। ओके फाइन, ही इज इन अफ्रीका, अफ्रीका। ही इज एन अंडरकवर कॉप, सो उनका कुछ भी लपेट मार, कुछ भी। मम्मी तू ज्यादा बजमत आ। मम्मी प्लीज तेरा चश्मा किधर गया? फेंक दूंगी मैं तेरा चश्मा। तो अभी गाइस कभी कभी ऐसा होता है क्या तुम लोगों के साथ, इतना एक्साइटेड रहते, इतना कि एक्साइटमेंट धीरे धीरे किल होते जाता है कि मेरे वॉक करके एक्साइटमेंट लेवल अभी किल हो रहा है। मैं भी तेरे वजह से बैठी, मुझे क्या है, मैं अकेली रह। मैं बहाने से पूछती हूँ रास्ता मिला के, गाना सुन। भाई साहब रास्ता मिला क्या? कहाँ पे है आप लोग? एक मिनट आप उधर आगे से आ गए क्या? फेस वन पहुंच गया? हाँ हाईवे से, आप हाईवे से राइट मारा ना आपने? हाँ राइट मार के कहाँ गए हो अभी? अच्छा उधर तक आ चुके हो आप? फोन कट मत करो, चालू रखो फोन। मुझे बहुत ऐसा डर लग रहा है कि जिसके दुकान से हमने टेबल बनवाया था कभी उसने ये ब्लॉग देख लिया तो। देखने देना तो क्या होएगा? अवकॉर्ड मम्मी, तो उसको बार बार फोन मत करो, ब्लॉक कर देगा तुझे। सोचेगा ये क्या है औरत, मुझे बार बार ये घड़ी घड़ी कशाला मतलब फोन करते। ओ हाँ चेयर भी था, मैं भूल गई। अरे तू देख लिया उसने सब यार, कर ले। हाँ ये ड्रॉवर और इधर का ड्रॉवर दिखाया तूने, और ये पीछे पीछे बंद किया है उसको, ओपन छे था। मैंने बोला मेरा वॉल खराब हो गया, मेरा बाप वो भी ऊपर से आएगा कि ये वायर से पीछे कनेक्ट कर। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे पीछे से ओपन चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं पैर दीवार पे लग के दीवार खराब होएगा। अरे
अभी इधर मैं सबको दिखाना चाहती हूँ मेरी मम्मी और वो दुकान वाले का स्मार्टनेस। इधर सीपीयू है ना, इधर सब है, इधर हेडफोन का ये वायर कहाँ से जाएगा भाई? उसको कहाँ से जाएगा? उसको बोला तो वो भूल गया कल वो मिशन। और मैं इनको बोल रही थी कि मैं उनको तुलू में बोल रही थी कि अरे मम्मी मेरे को इसमें ये चाहिए, होल चाहिए टेबल के बाद। क्यों चाहिए टेबल में होल क्यों चाहिए? मेरा भाई पूछ रहा है कि बेड के ऊपर चेयर क्यों रखा है, किसी का शादी है क्या? किसी का शादी है ना, बेड के ऊपर चेयर रख के कोई बैठते हैं? दूल्हे को उधर बैठाएंगे। बट माय पॉइंट इज मैं इनको तुलू में बोल रही थी कि अरे मम्मी आप थोड़ा रुको ना, मेरे को होल क्यों चाहिए? हाँ बराबर बोल रहे हो, होल नहीं। वो भी बोल रहे नहीं मैम कोई भी होल नहीं डालता। मैंने बोला अरे भाई मुझे होल चाहिए, मेरा गट फीलिंग बोल रहा था कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, होल चाहिए। तो वायर क्या हवा से उड़ जाएगा क्या? इधर वायर डालने के लिए जगह नहीं है। अरे तो वो कारपेंटर कल वापस आने वाला है, अभी वो इधर होल करेगा, फिर ही मैं टेबल का टाटा टूटू जो भी उसको बोलते दे सकती हूँ, उद्घाटन दे सकती हूँ, मतलब टेबल टूर दे सकती हूँ। हम लोग ने पेमेंट किया, सब हुआ, मेरी मम्मी दुकान के बाहर पहुंच के रिक्शा पकड़ी थी। मैंने बोला नहीं मैं वापस अंदर गई, मैंने उसको बोला अरे सुनो ना मुझे चाहिए। तो उससे बोला मैम आर यू श्योर? तो मैंने उससे वो डायग्राम का भी मेरे से फोटो निकलवाया था, तो मैंने उसको फोन किया फिर शाम को, हाय टेबल बहुत अच्छा बना है। तो बोला हाँ, लेकिन वो जो दो होल मैंने बोला था ना वो नहीं है। ओ शिट सॉरी। हाँ उससे मुझे ऐसे बोला क्योंकि उसको बहुत स्पेसिफिकली मैंने उसको बोला था, मतलब उसको वो सीन याद रहेगा कि मैं लास्ट में फिल्मी सब होने के बाद टर्न मार के वापस गई। मैंने बोला वन का ये किसने इधर ला करेगा, 5 दिन से मैं ढूंढ रही हूं, एक मिल है एक दे this assembling shit is way more difficult than it looks. My friend Joel loves doing these wire assembling things. जहाँ पे एक साथ सारे वायर्स को यहाँ जोड़ना था। But me, bitch, me, I just hate it, girl. ये वायर इधर से डालना, उधर से डालना, इसके अंदर डालना, उसके अंदर डालना। That sounded vulgar. हेलो, एज यूजुअल वी हैव अ प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट मेरे माउस का वायर बहुत छोटा है, तो वो वहां से यहाँ नहीं आ रहा। आई हैव टू ब्रिंग द एक्सटेंशन वायर फॉर माय माउस। द एक्सटेंशन बोर्ड दैट आई हैव इज नॉट इनफ फॉर ऑल द वायर्स टू फिट इन, सो आई हैव टू ब्रिंग अ न्यू एक्सटेंशन बोर्ड एज वेल। थर्ड प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव माउस पैड। आई नेवर यूज अ माउस पैड ऑन माई प्रीवियस टेबल बिकॉज मैं गरीब थी। आई एम जस्ट किडिंग, I don't know why I never used a mouse pad. My brother, whenever he came from Dubai, he was... No, actually, my brother bought his mouse pad with himself. And when I told him that I want to buy a mouse pad, he was like, "Fizul kharchi karti rehti hai, tu use kar sakti hai bina mouse pad." Blah, blah, blah. Bitch, pen to the bitch. So now I have to go down. So, let's go. मैं पहला बोलती थी सेन को मेरा बेटे को ना झंझर का अमिताभ बच्चन हंसता ही नहीं है करके। यार मेरा पीसी बहुत वाओ, मेरा वीडियो पीसी बहुत स्लो चल रहा है, फिर भी कल 5000 खर्चा किया। फिर भी 5000 खर्चा किया क्या तूने? अरे उसने SSD डिस्क डाला, पता नहीं इसका मीनिंग क्या होता है, बट उसने डाला। मुझे नहीं चाहिए अभी, एक नहीं 3 उसके पीछे कुछ तो है, मुझे वो चाहिए। वाओ सो गॉर्जियस, ओ माय गॉड, लोग देख रहे हैं। देखो क्या, मुझे पता है इसमें क्या है। हां पैर इधर रख दे, इधर रख दे, अरे इधर रखना ऐसे, एक मिनट। आई कांट कंटेन माय, व्हाट अ पोजीशन गाइस। साहिल प्रपोज टू मी, ओ माय गॉड, 5 केक, इतना पैसा। थोड़ा मुझे भी पैसा तेरे भाई के पास, ये क्या पूरे कन्नौर गैंग की तरफ से? थैंक यू। अभी से 5 ही लड़के बचे ना। आई सी व्हाट यू डिड देयर, और तू भी उनमें से है क्या? ओ बट अपना तो अभी अलग है ना। क्या बोला नहीं तूने? तो मैं रिन्यू होने का सोच रहा हूँ।
शगुफ्ता से कौन फिर? शेफाली. वो भी अलग रीनी हो रही है ना. साहिल बहुत उदासी से बोल रहा है. अरे नहीं, इसके शक्ल में उदासी नहीं. अरे मैं बहुत खुश हो गया हूं आज. मैं बहुत खुश हो गया हूं. देख तेरे लिए इसके लिए 5 पेस्ट्री लाया हूं मैं. ये आप मुझे कन्नो गैंग ने दिया है. थैंक यू सो मच गाइस. मैं तो शर्मा गई. वो मेरी तरफ से पीछे वाला. अरे तेरे दो नहीं, वो मेरे घर का है. दे इधर वापस. नहीं नहीं दे. अरे तूने मुझे दिया बहुत प्यार से. मैं संभाल के रखूंगी. एक दे दे. सो मच गाइस. आई ओवर टू यू. मैं भी तुम लोग सबको सरप्राइज दूंगी जब मेरे पास पैसे आएंगे. ओह वो दिन कभी नहीं आने वाला. जल्दी से आ जाएगा. लगेगा पैसा आ गया तो मैंने टेबल खरीद लिया. तो इसके लिए तो खाती नहीं ना हम लोग खाने बैठते. मैं ये सब चीजों के लिए पैसे जमा कर रही रहती हूँ बेचारी. थैंक यू बाय. Is done. I have the setup of my dreams. I still can't believe that I have this hole and this thing. But girl, I can't contain my excitement because I am finally done with the arrangement and assembly and recess and periods and school and college of my table. By the way, the process of setting up this table wasn't as fancy as I thought it would be because girl. There was so much work. I mean, I don't know where to start from. Carpenter, engineer, plumber, doctor, mechanic, toaster, roaster, toddler. I don't know who all had to come to make this thing happen because this was my exact condition actually while doing the whole prep up. Okay, this hairband needs to be removed. I was telling you that the process of setting up this whole thing was very tedious because nothing was in place. But finally, I'm so happy that this thing is done. And I'm also very proud of myself for pulling up, pulling out, pulling in. Okay, that sounds very vulgar again. For getting this thing done all by myself. And I hope you enjoyed this video as much as I didn't enjoy this process. Of course, I'm very happy about the table and stuff. But this was very hectic and... done already. Thank you so much for watching the video guys. Do subscribe to my channel, The Controversial Kid. Bye.